फातमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शुरका ने सेहत के आलमी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और यादगारी शीट्स भी पेश की। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, सेमिनार का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, आज निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की फातमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से मौजूदा अनाही सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदर समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदर ने निगरान सफाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम डॉक्टर जमाल नासिर को यादगारी शीट भी पेश की। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना था कि सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार के इंतजार पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदर का शुक्रिया अदा करते हैं। और 7 अप्रैल पूरी दुनिया में सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, जबकि सेहत अलावा की एक अनमोल नेमत है और सेहत की सहूलियात की फ्राहमी हर इंसान का बुनियादी हक है और एक सेहतमंद इंसान गुजार सकता है, जबकि अमूम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के दावे नहीं हकीकी मानों में यकीनी बनाना होगा और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से अगले 20 साल बाद दुनिया का शुक्रिया बिलाल आपका।